गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करें बिल्कुल कम जिम्स में। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा विद प्रूफ, तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस यहाँ पर जो फ्रेम है उसको कलेक्ट करने में मेरे काफ़ी ज़्यादा जिम्स वेस्ट हो गए। जी हाँ गाइस, और मैं आपको बताऊंगा आपको क्या गलती नहीं करनी जिससे आपके जिम्स वेस्ट ना हो। तो गाइस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें। तो गाइज़ आपको सबसे पहले कलर ब्लेड्स वाला इवेंट कंप्लीट करना है। जी हाँ गाइज़, आपको स्पिन इवेंट पहले नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्पिन इवेंट पहले करेंगे तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जेम्स वेस्ट हो जाएगा और फ्रेम और उसके साथ जो हमारा ये स्ट्राइकर का 100 पीस है ये आपको काफ़ी लेट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा जेम्स वेस्ट होगा। तो पहले आप कलर ब्लेड्स ट्राई करिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर देखिए जैसे ही इवेंट आया था तो मैंने पहले स्पिन इवेंट ट्राई किया। आई थिंक गाइज यहाँ पर जो है कुछ ऐसा एल्गोरिथम सेट है जिससे पहले कलर ब्लेड्स आप करेंगे तो शायद आपके कम जेम्स लगें, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट स्पिन इवेंट ट्राई किया तो हो सकता है आपके जेम्स काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाए, जैसे मेरे में हुआ। हमको स्ट्राइकर के तो पीस मिल गए 100, लेकिन अब ये फ्रेम लेने में काफ़ी ज़्यादा जेम्स वेस्ट हो गए, 6 से 7 हज़ार जेम्स मैक्सिमम वेस्ट हो गए। तो गाइज़ आपको ये गलती नहीं करनी, आप उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ गाइज़, बाकी जो है जिनके अकाउंट में जेम्स नहीं है या फिर कॉइंस नहीं है तो आप क्या करिए, आप छोटा टेबल खेलिए और धीरे धीरे खेलिए, क्योंकि गाइज़ अभी ये 2 हफ्ते तक रहेगा, मतलब 14 दिन रहेगा, 14 दिन से ज़्यादा रहेगा। तो आप इसको धीरे धीरे अगर करेंगे, 3500 पॉइंट चाहिए तो आप इसको धीरे धीरे कलेक्ट कर सकते हैं। तो और बाकी जो नॉर्मल शॉट आपको मिलता है उसको सेंटर पे प्ले करने का ट्राई करें जिससे 75 जेम्स आपको मिल जाए, तो आपको बिना कोई जेम्स खरीदे आप इस इवेंट को या इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जिन लोगों को तुरंत करना तो गाइज आपको जेम्स वेस्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्सेस मिलेंगे जब आप उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तभी आपका जो है वो 3500 पॉइंट जो है वो कंप्लीट होगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे देखिए मैंने स्पिन काफ़ी देर तक किया था, उसके बाद ये जो स्ट्राइकर के पीस है 100 ये ओपन हो गया था। और हाँ गाइज़, अभी मैं आपको ये अबीर स्ट्राइकर जो है ये पूरा फुल मैक्स करके दिखाऊंगा, क्योंकि गाइज़ काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे इसमें कितने कॉइंस लग जाएंगे इसको मैक्स करने में और टोटल कितने अपडेट होंगे। तो गाइज़ अभी आप देख लीजिए यहाँ पर कितने कॉइंस लगते हैं और कितने अपडेट इसके टोटल हैं। और ये स्ट्राइकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसको फुल मैक्स करने के बाद। जी हाँ गाइज़, ये लीजेंडरी स्ट्राइकर है, इसकी एम काफ़ी अच्छी है, तो जो लोग फेयर खेलते हैं तो उनके लिए काफ़ी सही है, क्योंकि एम इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने स्पिन इवेंट काफ़ी देर तक ट्राई किया था, फिर जाके हमारा ये 100 पीस स्ट्राइकर का मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये तो मुझे मिल गया था लेकिन फ्रेम नहीं मिला था। तो गाइज़ उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने स्पिन इवेंट बंद कर दिया था। ये देखिए यहाँ पे आईडी में आ गया था स्ट्राइकर के 100 पीस। तो गाइज़ आप में से तो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा, सब कुछ कलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं कलेक्ट किया तो देखिए आपको सबसे पहले कलर ब्लिट्स प्ले करना है। जी हाँ गाइज़, सबसे पहले आप ये प्ले करके इसके सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप स्पिन इवेंट प्ले करिएगा, फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा 100 पॉइंट भी मिल जाएगा स्ट्राइकर का और फ्रेम भी मिल जाएगा, क्योंकि गाइज उसमें कुछ टिकट भी फ्री मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल प्ले करने के बाद यहाँ पे बॉक्सेस मिले, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर आप टाइमर लगा के करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जिनके पास जेम्स नहीं है तो आप टाइमर लगा के छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप इसको ओपन करके कलेक्ट कर सकते हैं पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि अभी ये 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम है तो इसको आप आराम से धीरे धीरे करके कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 3500 पॉइंट्स थे, तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, जेम्स देके बॉक्सेस ओपन कर लिए थे। और हाँ गाइस देखिए सबसे अच्छा टेबल है ये 50K वाला। जी हाँ गाइस, उसमें आपका ज़्यादा कॉइन लॉस भी नहीं होगा, उसमें टर्न भी आ रहा है और ऑटो प्ले वाले भी नहीं आ रहे उसमें, तो वो प्ले करके आप काफ़ी अच्छे से जल्दी इसको मैक्स कर सकते हैं। और फ्री स्टाइल आपको खेलना है। जी हाँ गाइस, फ्री स्टाइल खेलेंगे तो उसमें जल्दी जल्दी आपका टेबल विन हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सब क्विट भी कर देते हैं अगर आपने एक पक पॉट कर दी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद देखिए मैंने सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए थे। तो अभी मैं स्ट्राइकर भी आपको मैक्स करके दिखाता हूँ। देखिए ये इमोजी भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद लास्ट में देखिए अवतार था, ये भी मैंने कलेक्ट कर लिया था। इसका कॉम्बिनेशन गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है अवतार का फ्रेम के साथ, तो दोनों एनिमेशन कर रहा है तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं अबीर स्ट्राइकर को मैक्स करने के लिए टोटल 11 अपडेट लगेंगे। जी हाँ गाइज़, और कॉइंस भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप टोटल 11 अपडेट करेंगे तो ये फुल मैक्स हो जाएगा, और मैक्स होने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्राइकर ये बन जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री में है। जी हाँ गाइज़, जो दूसरा स्ट्राइकर आएगा वो आई थिंक पैसे से बाई करना पड़ेगा, ये वाला बिल्कुल फ्री में है, तो आप सब लोग इसको कलेक्ट कर लीजिए। और जो लोग इसको मैक्स भी नहीं करना चाहते तो गाइज़ वो लोग सिर्फ स्पिन करेंगे, अगर 100 पॉइंट आपको मिल गया तो डायरेक्ट आपकी आईडी में आ जाएगा। तो अगर आप वो इवेंट भी नहीं प्ले करेंगे कलर ब्लिट्स वाला, तब भी ये स्ट्राइकर आपको मिल जाएगा।
तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल मैक्स होने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्राइकर लग रहा है। तो आप इसी तरीके से फुल मैक्स कर सकते हैं और इवेंट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गाइज़, जब मैंने कलर ब्लेड के सारे रिवॉर्ड कलेक्ट किए, फिर से मैंने स्पिन इवेंट स्टार्ट किया। तो गाइज़ कुछ देर स्पिन करने के बाद मुझे फाइनली फ्रेम मिल गया था। तो गाइज़ आप में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं कलेक्ट किया, तो आप लोग सबसे पहले कलर ब्लेड्स वाला टास्क कंप्लीट करें, उसके बाद ये करें, जिससे आपके कम जेम्स में हो जाएगा, वरना आई थिंक आपके काफ़ी ज़्यादा जेम्स वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको रिवॉर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन जेम्स काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे। और हाँ गाइज़, यहाँ पे आपको टोटल फ्री टिकट जो है वो 6 मिलेंगे। तो हो सकता है इसी में आपका फ्रेम या फिर जो है आपका स्ट्राइकर के 100 पीस निकल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का निकला है। तो गाइज़ आप इसी तरीके से इसको फुल मैक्स कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।